दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, और अब 11 सितंबर से इंडियन रेलवे के द्वारा पुरानी ट्रेन्स को नई ट्रेन्स में अपग्रेड करना शुरू भी कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जो कई सालों से पुराने कोच लगे हुए थे, यानी कि सूर्य नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जो हमें रेल के डब्बे देखने को मिलते हैं, वो काफी ज्यादा पुराने थे। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में जिन कोचेस यानी कि जिन डब्बों को लगाया गया था, उनको ICF कोच के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ICF कोच आपको हमेशा नीले रंग में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये ICF कोच है, वो इतने ज्यादा पुराने हैं कि इन नीले रंग वाले ट्रेन के डब्बों को भारत में 1952 में इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। तो यानी कि जो ये ICF कोच है, वो 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसी कारण इन ICF कोच में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, वो भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। पर दोस्तों, अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि अब इस सूर्य नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सभी पुराने ICF कोचेस को हटाकर नए LHB कोचेस को लगा दिया गया है। और अब LHB कोचेस वाली ये नई ट्रेन 11 सितंबर से ही सभी पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। अब दोस्तों, अगर बात करें LHB कोचेस के बारे में, तो बेसिकली LHB कोच को सबसे पहले जर्मनी देश के द्वारा बनाया गया था। और ये जो LHB कोच है, ये आपको हमेशा लाल रंग में देखने को मिलेंगे। बेसिकली LHB कोचेस को लिंक हॉफमैन बुश के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर इन LHB कोचेस को सन 2000 से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब अगर बात करें कुछ बड़े डिफरेंस के बारे में, तो LHB कोच के अंदर आपको डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम और साइड सस्पेंशन जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी। और LHB कोच के अंदर सभी पैसेंजर काफी ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नीले रंग वाले ICF कोच होते हैं, उन कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कारण जब ICF कोच वाली ट्रेन में ब्रेक लगाया जाता है, तो जो ट्रेन होती है वो काफी ज्यादा दूर जाकर रुकती है। लेकिन जो LHB कोच होते हैं, उनमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और डिस्क ब्रेक के कारण जो LHB कोच वाली ट्रेन होती है, उसमें ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन काफी कम दूरी पर ही रुक जाती है। और डिस्क ब्रेक के कारण LHB कोचेस को काफी ज्यादा सेफ भी माना जाता है। और दोस्तों, LHB कोचेस की सबसे खास बात है रफ्तार, क्योंकि LHB कोच को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। और जरूरत पड़ने पर LHB कोचेस को 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा जो LHB कोच होते हैं, वो ICF कोच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हल्के भी होते हैं। और LHB कोचेस को मैन्युफैक्चर करने में केवल 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का खर्च आता है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।